मैं कुसुम, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको भिंडी की सब्जी बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने भिंडी को धो लिया है और धो के अच्छे से सुखा के इसे काट लिया है। इसे सुखा के काटने पर इस पे तार नहीं निकलते हैं। दो आलू को धो के काट लिया है, आधी प्याज है और दो हरी मिर्च और लहसुन को काट लिया है। और पैन गरम हो चुका है, अब इसमें तेल को डाल दिया है। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और लहसुन मिर्च का तड़का लगाएंगे। इसे मैं एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को भी थोड़ा सा भून लेंगे। आलू को डाल देंगे। आलू को थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। प्याज के साथ आलू भी आधा पक चुका है, अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर देंगे। हल्दी अच्छे से पक जाएगी और आलू पे हल्दी का कलर भी आ जाएगा। अब इसमें भिंडी डाल देंगे। आप देख सकते हो हमने भिंडी को धो के अच्छे से सुखा के काटा है, इसलिए इसमें तार नहीं निकल रहा है और सब्जी अच्छी बनती है। और आलू को भी हमने पतला पतला काट लिया है। इस तरह आलू भी जल्दी से पक जाता है। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। नमक और धनिया को मिक्स कर देंगे। अब इसे ढककर 4-5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। बीच बीच में इस तरह से हमने 2-3 बार चला दिया था, अब यह सब्जी हो चुकी है। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच होममेड चाट मसाला। किसी भी सलाद या सब्जी में डालने पर बहुत ही चटपटा बनता है। आप इसकी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हो। ऐसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसे अब 2 मिनट तक ऐसे खुले में पकाएंगे। अब ढक्कन नहीं लगाना है जिससे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अब यह सब्जी तैयार है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।